आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें इस टैली प्राइम को कीबोर्ड से शॉर्टकट से ओपन करना हो, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद सबसे नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर शॉर्टकट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर शॉर्टकट की नन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाए रखना है और यहाँ पर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस और जैसे मान लीजिए टी प्रेस करें तो टैली खुल जाए, यानी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी प्रेस करें तो यह टैली प्राइम खुल जाएगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करना है, उसके बाद ओके कर देना है। अब आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल और टी, यानी कंट्रोल अल्ट और जैसे ही टी प्रेस करेंगे तो यह टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट की मदद से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अभी फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ, वीएलसी मीडिया पे मैंने बनाया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंट्रोल अल्ट और वी बनाया है वीएलसी के लिए, ओके कर देते हैं। अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल Alt और जैसे ही भी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो गया है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट की मदद से ओपन कर सकते हैं। आपको जब भी ओपन करना हो आप इस तरीके से शॉर्टकट का इस्तेमाल करके किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये शॉर्टकट हटाना हो तो उसी तरीके से आप हटा सकते हैं, जिस पे भी हटाना हो उस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर्सर रख के केवल कंट्रोल प्रेस कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे नन लिखा हुआ आ जाएगा और ओके कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब जो है इस वीएलसी मीडिया प्लेयर का जो है वो शॉर्टकट जो है हट गया है और दोबारा से आप इसमें लगा भी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूँ। डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद शॉर्टकट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है स्लाइड टू शट डाउन। इस तरीके से आपको टाइप कर देना है स्लाइड टू शट डाउन, एक ही में टाइप करना है और टाइप करने के बाद नेक्स्ट और उसके बाद फिनिश कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो स्लाइडर आएगा और उसे जैसे ही स्लाइड करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड टू शट डाउन योर पीसी, इसको जैसे ही हम नीचे की तरफ लेफ्ट क्लिक करके खींच देंगे तो ये कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर सकते हैं। जब भी आपको शट डाउन करना हो इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद इसको नीचे की तरफ इस तरीके से स्लाइड कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर जो है शट डाउन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इन दोनों शॉर्टकट में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।